आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। पिछले 30 दिन से भिवंडी में लॉकडाउन चल रहा है। भिवंडी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है और इसी लॉकडाउन के दरमियान जो लोग खाने पीने से महरूम हो गए थे, जिस पर गौर करते हुए भिवंडी के कुछ संस्थाएं इनकी मदद के लिए आगे आई और उन्होंने ऐसे तमाम लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम अपने अपने इलाकों में किया जो ज़रूरतमंद थे। ऐसे ही एक नौजवानों की टीम जो मौलाना आज़ाद नगर बागेपुर दोस्त से हैं, जिसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। यहाँ के नौजवानों ने लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों लोगों का पेट भरा। इन तमाम नौजवानों की रहनुमाई करते हुए नज़र आए अब्बास अंसारी। जी हाँ, अब्बास अंसारी मौलाना आज़ाद की वो शख्सियत हैं जिनकी फलाही कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भी शहर हो या और कोई इलाका, अगर कोई शख्स मुसीबत ज़्यादा दिखता तो वो उनकी गैब तरीके से मदद ज़रूर करते और आज कोरोना जैसी बीमारी की महामारी पर भी वो अपने दोनों हाथों को उठाकर लोगों की दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद नगर में अब्बास अंसारी की ज़ेरे निगरानी में वहाँ के मुकामी नौजवान मिलकर इनके साथ काम कर रहे हैं। यही नहीं, रमज़ान महीने की बाबरकत महीने में भी तमाम नौजवान अब्बास अंसारी के साथ मिलकर लोगों के लिए खाने के साथ साथ इफ्तारी का भी एहतमाम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम नौजवान रोज़ अपने अपने घरों से आते हैं और इनके खाने पकाने का इंतज़ाम करते हैं और आज भी आप देख रहे हैं कि अफ्तारी का इंतज़ाम किस तरह से किया जा रहा है। इस पूरे काम में अब्बास अंसारी के साथ साथ अबू जरबाला अंसारी, ताबिश खान, हमज़ा खान, तौसीफ रैन, नवीद अंसारी, सादो कुरैशी के नाम के साथ साथ दीगर नौजवानों के नाम भी शामिल हैं।